हेलो गाइस, इट्स मी डिंपल सानी फ्रॉम पूर्णिया बिहार। वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं दो दिन पहले हेयर स्ट्रेट करवाई थी और आज आ गई हूँ लाइन बाज़ार और रिबेल्ला हेयर सलून में। और यहाँ पे डॉक्टर आशा मैम है, उसके ऊपर जो है सेकेंड फ्लोर पे है। तो चलिए चलते हैं और रिबेल्ला सलून। देखिए श्रीमती आशा सिंह है, उसके बाद जो यहाँ पे ओरिबेला का आप पोस्टर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जा रही हूँ, मेरे साथ भाई भी आया हुआ है। आज हेयर वॉश करवाना है। यहाँ पे आप देखिए पोस्टर वगैरह लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है सजाया गया है। बहुत ही लग्जरियस सैलून है। और चलते हैं, देखते हैं। ये ओनली फॉर गर्ल्स और वुमेंस के लिए है, जेंट्स अलाउ नहीं है पार्लर में जाना। ये जो है एंट्री गेट है, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। देखिए दोस्तों, ये अंदर से जो है ओरिबेल्ला का ये शॉप है। यहाँ का डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। यहाँ पे जो भी हेयर और ब्यूटी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो रखे हैं, और इसको रिसेप्शन भी कहा जा सकता है। यहाँ पे सिटिंग प्लेस है और यहाँ का डेकोरेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ की जो सर्विस है ये भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो है एक साथ तीन लोग जो है सर्विस ले सकते हैं। आपका यहाँ पे गर्ल्स लोगों के लिए, वुमेंस लोगों के लिए जो भी सर्विसेज है वो अवेलेबल है, चाहे वो हेयर का हो या ब्यूटी का हो। इसका डेकोरेशन बहुत ही लाजवाब है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम विज़िट की। यहाँ पे भी जो है सारा क्रीम्स वगैरह अवेलेबल है हेयर के लिए, जो भी होता है। और मैं बात भी कराऊँगी जो यहाँ के सर हैं। तो सर बताइए, मेरा हेयर जो पहले बहुत ही डैमेज था, रूखा था, तो अभी इतना अच्छा दिख रहा है। जैसे मैं बता रहे हैं, काफ़ी मैम का फूल दिखा, काफ़ी ड्राइनेस दिख रहा था, काफ़ी डैमेज दिख रहा था। हाँ। मैम, इसलिए हमने पहले किए हैं स्मूथनिंग, उसके बाद किए हैं हाईलाइट, उसके बाद केराटिन किए हैं, वो भी बिना ब्लीच का किए हैं, ओनली कलर की ट्यूब से किए हैं, विदाउट एनी ब्लीच। हाँ जी। देखिए ब्लीचिंग का अलग चार्जेज है, हेयर कलर का अलग चार्जेज है। ब्लीचिंग से जो है हेयर डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए मैंने ब्लीचिंग नहीं करवाया हेयर पे। वैसे तो मैं तो इसीलिए जो है कलर से ही मैंने ये हाईलाइट करवाया है। तो मैम का बाल अभी देख लीजिए, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, रियली बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। पहले बहुत हेयर डैमेज था, रूखापन था, अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब सुबह जब सो के जगती थी तो अजीब लगता था अपने बाल को देख के, बट अभी बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। और ओके दोस्तों, मिलते हो नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।